Hello friends, welcome again to Study Khazana. Now the third portion of this, the enemy, where we have to see what is happening with the stranger as well as the mental state of mind of Dr. Sadao and his family. Ek stranger ke liye wo apni reputation, career, family sab stake par rakhkar doctor jo uska profession hai usi ko wo sabse havi ho raha hai us pe wo cheez aur wo usi cheez ke chalte कैसा उसका बिहेवियर रहेगा, क्या ट्रीटमेंट रहेगा, लेट सी दैट। आई होप आपने होमवर्क कर लिया होगा डायरी का, आपने अपने आप को रिप्रोच किया होगा ऐसा कोई इंसिडेंट जहां पर आपने कभी किसी को हेल्प किया हो या हेल्प कर सकते हो बट ना कर पाए हो, स्टिल हम यहां से देख सकते हैं। अब हाना थोड़ा ठीक फील कर रही है और इसने उसको एनेस्थेटिक देना सिखाया है। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद इट। शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्ड। उसने पूछा कि मैं ये करूं कैसे। सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रिल्स, सदाओ रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क। उसने बिना मोमेंट गवाए पूरा ध्यान उस पर रखते हुए बिना एक सेकंड भी लूज किए उसने यहाँ पर उसको अपने प्रोफेशन की बारीक से बारीक डिटेल्स दी। उसने क्या कहा, व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे अ लिटिल। आपको क्या करना है कि जैसे ही वो थोड़ा सा हैवी ब्रीदिंग हो जाए उसकी, तब आप ये एनेस्थीसिया जो है उससे दूर कर लेना। हाना बहुत अच्छे से समझ गई। शी क्राउच क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, नीचे लेटा हुआ है तो वो भी क्राउच पोजीशन में, उसके पास एनेस्थीसिया देने गई। बहुत सॉफ्ट हार्टेड लेडी है, आपने देखा पहले भी। इट वॉज अ पिटीसली थिन फेस शी थॉट एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड। अभी भी उसकी जो कंडीशन है वो उस कंडीशन को देख के बहुत पिटी फील कर रही है कि कितना थिन फेस हो चुका है और कितना ज्यादा वो पिटीस दिख रहा है। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, चाहे ये पर्सन जाने या नहीं जाने, ये पर्सन तो सफर कर ही रहा है, ये चीज उसके मन में चल रही है। वॉचिंग हिम शी वंडर्ड इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ प्रिजनर्स वर ट्रू। जब वो उसको साथ साथ देख रही है तो उसके दिमाग में एक बात आ रही है कि जो बातें हमने सुन रखी हैं कि जो जापानीज पुलिस ऑफिसर्स हैं वो कितना किसी को टॉर्चर करते हैं या प्रिजनर ऑफ वॉर के अगेंस्ट जो टॉर्चर लेवल है वो कितना राइज हो जाता है, क्या वो सही है या नहीं, ये देखने के दौरान दे केम लाइक फ्लिकर ऑफ र्यूमर टोल्ड बाय द वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड। यहाँ वो ये कहना चाहती है कि इस तरह की स्टोरीज र्यूमर की फॉर्म में और ज्यादा बढ़ जाती हैं, अफवाहें जब एग्जैजरेट हो जाता है ट्रुथ, लेकिन ट्रुथ तो कहीं ना कहीं है कि उनके साथ टॉर्चर बहुत जबरदस्त है और वही चीज र्यूमर की फॉर्म में जब एग्जैजरेट होके सामने आती है, बाद में कॉन्ट्राडिक्ट की जाती है, उस समय की सिचुएशन को लेकर उसे ये लग रहा है कि आसपास जो बोला जाता है कि नहीं इतना थर्ड डिग्री टॉर्चर है या ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, वो चीजें कितनी सही हैं। इन द न्यूज़पेपर द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज दैट वेयर एवर द जापानीज आर्मी, इन द न्यूज़पेपर देयर इज ऑलवेज यू नो रिपोर्ट्स लाइक वेयर एवर द जापानीज आर्मी इज वेंट द पीपल रिसीव देम ग्लैडली विद क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन। जब जब वो अपने किसी भी न्यूज़पेपर में एक न्यूज पढ़ते हैं तो उस समय वो क्या देख रहे हैं कि जो लोग हैं अपनी आर्मी का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं क्योंकि उनको लिबरेशन मिल चुका है, फ्रीडम मिल चुकी है। बट सम टाइम शी रिमेम्बर्स सच मैन एज जनरल टाकीमा हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूएली, दो नो वन मेंशन्ड इट नाउ that he had fought so victorious a battle in Manchuria. आप जब भी कोई इंग्लिश के चैप्टर हम लोग रीड करते हैं उनमें जो इंसिडेंट्स आते हैं उनके बारे में अपनी नॉलेज गेन किया करें, आप आर्टिकल लिखने में, लेटर लिखने में या स्पीच लिखने में या कोई भी ऐसा अपना आगे आप 12th के बाद जब आगे जाएंगे तो ऐसे राइटिंग में आपको हेल्प करेगा। जब आपका डायमेंशंस बढ़ते हैं, आप जब इन चीजों को डिस्कस करना शुरू करते हैं या रीड करना शुरू करते हैं, तो बैटल इन मंचूरिया बहुत ज्यादा यू नो फेमस रही है, नोटोरियस या फेमस इस सेंस में कि एक बहुत जानी मानी लड़ाई रही है जिसे आप सब जानते हैं। उसमें जनरल टाकीमा जो जीत कर आए थे वही जनरल हैं यहाँ पर इस समय, और उसको ये बात याद आ रही है कि जो अपनी ब्रेवरी बाहर दिखा कर आया है
वो पर्सन अपने घर में कितना ज्यादा बैड बिहेवियर है उसका अपनी वाइफ के साथ। तो यहाँ थोड़ा सा जो एक नेचर है किसका, हाना का, शी इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स हर काउंटर पार्ट, फीमेल काउंटर पार्ट की। विमेन की कंडीशन ना उस समय बेहतर थी ना अब बेहतर है, ऐसी ब्रेवरी का भी क्या फायदा जो आप एक हेल्पलेस पीपल पे अपनी ब्रेवरी दिखाएं, और वो भी विमेन या बच्चों पे। इफ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूएल टू अ विमेन इन हिज पावर, एक पर्सन जब इतना पावर में है, लोग उसको इतना एडमायर करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, ये सब होने के बावजूद अपनी रेपुटेशन का ध्यान किए बिना अगर वो उस वुमेन के लिए जो उसको सर्व करती है, जो उसकी फैमिली का ध्यान रखती है, वो इतना ज्यादा क्रूएल हो सकता है, वुड ही नॉट बी क्रूएल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस? तो क्या वो ऐसे इंसान के साथ क्रूएल नहीं होगा? वो बहुत ज्यादा क्रूएल हो सकता है। यहाँ पर शी इज यू नो कंटेम्पलेटिंग, थॉट प्रोसेस में बिजी है, साथ साथ वो उसका ऑपरेशन देख रही है। तो कभी ना कभी जब वॉर होती है बेटा, जब हम नेशनल वॉर की बात करते हैं, तो किसी ने बहुत सही कहा है, वॉर इज नॉट अबाउट व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, इट इज ऑल अबाउट हु आर लेफ्ट। ठीक है, सो बेसिकली एक नेशनल लेवल पे जब भी कोई कैलमिटी छिड़ती है, उसका जो एक ड्रॉबैक हमारे जो लेफ्ट वंस को बियर करना पड़ता है, उसकी भी कहीं ना कहीं ये स्टोरी है द एनिमी। She hoped anxiously that this young man had not been tortured. वो ये होप कर रही है कि इसे ज्यादा टॉर्चर ना किया गया हो। It was at this moment that she observed deep red scars on his neck. Please underline this line. ये जो sequence है, ये बहुत बार आया है इसमें कि वो इसके deep red scars को लेकर बहुत ज्यादा disturb रहेगी थोड़ी थोड़ी देर में। और ये बताया नहीं गया कि वो रेड स्कार्स किस चीज के हैं। ये थर्ड डिग्री टॉर्चर भी हो सकता है। आप जानते हैं कि प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ कोई उस जमाने में लेवल नहीं हुआ करता था। आज की डेट में भी अगर हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में जो इंडियन हमारे चले जाते हैं, या जो उन्हें यू नो वो एक स्पाई की तरह मानकर जो जेल में उनके साथ ट्रीटमेंट करते हैं, वो बहुत ज्यादा वर्स्ट होता है। सिमिलरली कोई भी एनिमी कंट्री जब किसी भी पर्सन के साथ बिहेव करती है, वो वर्स्ट से भी वर्स्ट होता है। ठीक है, और वो रेड स्कार्स देख के उसने क्या कहा, दो स्कार्स, शी मर्मर्ड लिफ्टिंग हर आईज टू द सदाओ, अपनी आंखें सदाओ की तरफ देखते हुए, सदाओ को देखते हुए वो यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि ये स्कार्स किस चीज के हैं। बट ही डिड नॉट आंसर, एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड। अब सदाओ का आपने नेचर देखा है, फुल डिवोशन है, और इस समय वो उसकी बात नहीं सुन रहा है। डेंजरसली उसकी जो इंस्ट्रूमेंट है, जो प्रिसीजन से वो काम कर रहा है, और उसने यहाँ पर क्या देखा कि वो किसी हार्ड चीज से जाके टकराई है, और वो हार्ड चीज क्या है, वो बुलेट है। आप आगे चल के देखेंगे, वो बुलेट है, और बुलेट के साइन को जैसे ही उसने बुलेट को फाइंड आउट किया, उसी समय उसके साथ नियर द किडनी ऑल थॉट लेफ्ट हिम, एकदम किडनी के पास उसने बुलेट देखी है। He felt only the purest pleasure. यहाँ purest pleasure जो है वो अपने पेशेंट को सेव करने का है, उस cause को find out करने का है जिसकी वजह से उसका जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है या पेन फील कर रहा है, और उसको उस चीज से प्लेजर फील हुआ। He probed with his fingers, अपनी फिंगर से उसने वो सर्च करते हुए डेलिकेटली familiar with every atom of this human body, जहां आप सदाओ का character sketch तैयार कर रहे हैं, please, जैसे आपने trained hand लिखा, expert fingers लिखा, वहीं पर आप ये line भी add कीजिए, familiar with every atom of human body, got it? जब हम character sketch लिखते हैं, तो ये आपका छोटे बच्चों वाला character sketch नहीं है कि आपने लिख दिया वेरी लॉयल, वेरी डिवोशनल, वेरी दिस एंड ऑल, ऐसा कुछ आप नहीं लिख सकते। आप जो भी पॉइंट उसके बारे में बताएंगे, उसको बैकअप करते हुए कुछ स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, कुछ एग्जाम्पल्स होने चाहिए जिनसे पता चले। तो वो ऐसा डॉक्टर था जो ह्यूमन बॉडी के एक एक एटम के बारे में बहुत अच्छे से जानता था।
His old American professor of anatomy had seen to that knowledge. जहाँ इसने medicine पढ़ा, जब इसको body के बारे में पूरा पढ़ाया जा रहा था, anatomy आप जानते हैं कि study of body parts होता है. Ignorance of the human body is surgeon's cardinal censors. Please mind it. This is very important. ये हम value based question में भी आपको दे सकते हैं. 7 mark या 5 mark के अंदर आपको ये question पूछा जा सकता है. और इस question को आप कैसे explain करेंगे? जब भी value based question आते हैं, आप 60% अपनी reasoning, अपने जो एक करंट अफेयर से आप बैकअप कर पाए, एग्जाम्पल्स के थ्रू बैकअप कर पाए, साथ ही साथ आप क्या मेंशन करेंगे, 40% चैप्टर का रेफरेंस. अब यहाँ पर देखिए उसने क्या कहा, इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज सर्जन्स कार्डिनल सिन. इग्नोरेंस ह्यूमन बॉडी की, जो सर्जन की है वो कार्डिनल सिन होती है. तो इग्नोरेंस को कार्डिनल सिन से कंपेयर किया गया, दैट इज मेटाफर, राइट. और किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, एक पर्सन जिसको हार्ट प्रॉब्लम हो, ज्यादा खुशी भी उसके लिए अच्छी नहीं है, ज्यादा गमी भी उसके लिए अच्छी नहीं है. तो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट हो तब भी ले डूबेगा, अगर लेवल ऑफ डिप्रेशन हो तब भी कहीं ना कहीं उसको हार्ट अटैक आ जाएगा. तो अगर आप ह्यूमन बॉडी के बारे में बीइंग अ डॉक्टर कुछ नहीं जानते, दैट इज अटेम्प्ट टू मर्डर अकॉर्डिंग टू दैट डॉक्टर. यहाँ आपको डॉक्टर सदाव का एक और कैरेक्टर समझ में आता है कि ही इज अ वेरी गुड लिसनर. प्लीज अंडरलाइन या मार्क माय वर्ड्स, ही इज अ वेरी गुड लिसनर. और ऑब्जर्वेंट भी बहुत अच्छा है, उसने वही चीजें सुनी जो उसने इंप्लीकेट करनी है. उसके पापा ने कहा हु कैन लिमिट योर फ्यूचर, उसने उस चीज को ध्यान रखा, देयर इज नो लिमिट टू अस. ठीक है, फर्स्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था और मैंने आपसे लिमिटेशन लिखने के लिए कहा था. अब उसने अपने प्रोफेसर की एक बात को बहुत अच्छे से समझ लिया कि इग्नोरेंस जो है ये हम चूज करते हैं. इग्नोरेंस किसी चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है, राइट, ना ही कोई एक्सक्यूज है. इस चीज को आप खुद ही सुधार सकते हैं, कोई और आके इसको ठीक नहीं कर सकता. सो इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन. सर्स, ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर. किसी किसी के रिफ्रेंस बन जाते हैं, तकिया कलाम बन जाते हैं, जो वो एक लाइन को बार बार रिपीट करते हैं. आप लोग अगर अपनी लाइफ में कोई एक ऐसी लाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो कीजिए, मेक श्योर ये वो लाइन हो जो किसी ना किसी को अच्छा इम्पैक्ट दे सके, एक अच्छा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दे सके. अब्यूजिव वर्ड्स और इन सबको अपना रिफ्रेन बनाने से अच्छा है आप कोई ऐसी लाइन को रखें जो आपका एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाए, साथ साथ जो सुन रहे हैं उसको, उनके भी दिमाग पर कोई असर डाले. तो यहाँ वो हर क्लास में थंडर्ड. देखो वर्ड का सिलेक्शन, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन. आप रीडिंग करते करते बहुत अच्छे से राइटिंग की आर्ट सीख सकते हैं. तो यहाँ पर थंडर्ड लिखने को लिख सकता था शाउटेड, या बार बार ही यूज टू से इन अ लाउड मैनर, इस तरह से वो बात कह सकता था. लेकिन यहाँ उसने जो बात कही थंडर्ड वर्ड यूज कर लिया, कि एक तरह से दहाड़ना. बार बार वो एक चीज पे फोकस करवाता था, वो क्या, कि इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन माइंड या बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सेंस. तो आप लोग ये आंसर पे ध्यान दीजिएगा. टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर. तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर है, या वो मर्डर से कम नहीं है. अगर आप कोई भी काम बिना नॉलेज के करते हैं तो वो किसी मर्डर से कम नहीं है, स्पेशली मेडिकल प्रोफेशन में. इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी माय फ्रेंड, सदाव मर्मर्ड. इट वाज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन. जब भी वो ऑपरेशन में डिवोट अपने आप को फुली एब्जॉर्ब कर लेता था, उस दौरान वो भूल जाता था उसके आसपास कौन है कौन नहीं है. और जनरली वो अपने पेशेंट्स को माय फ्रेंड कहकर एड्रेस करता था. इट डजंट मीन कि उसने इस अमेरिकन को अपना फ्रेंड मान लिया. तो अक्सर आपसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सदाव ने उसे वाइल ऑपरेशन ये कहा माय फ्रेंड, तो वॉज ही थिंकिंग हिम एज हिज फ्रेंड. तो आप यहां पर कहेंगे नहीं, इट वॉज हिज हैबिट टू से फ्रेंड टू हिज पेशेंट्स. ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स एंड सो नाउ ही डिड, फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी.
ये उसका एनिमी है, इस चीज को वो बिल्कुल भूल चुका है, क्योंकि इस समय सामने कौन है? पेशेंट। Then quickly with the cleanest and most precise of incisions, the bullet was out. और बहुत ही tactically उसने उस bullet को बाहर निकाला. The man quivered, but he was still unconscious. तो जब वो bullet बाहर निकली है, थोड़ा सा वो कांपा है, लेकिन अभी भी वो unconscious है. Nevertheless, he muttered a few English words. तो ये कहने की बात नहीं है कि बेहोशी में है, हालांकि उसको एनेस्थेसिया मिल चुका है, एनेस्थेटिक दिया गया है उसको, और उसके बाद भी वो कुछ कुछ बोल रहा है. और उसने क्या बोले इंग्लिश वर्ड्स? दे गॉट माय गट्स, दे गॉट माय गट्स. गट्स आप जनरली सभी को बोलते हैं गट्स हैं या नहीं, गट्स इंटेस्टाइन होती है, तो उन्होंने मेरे गट्स जो है वो छीन लिए या उनको वो मिले. सदाओ हाना क्राइड शार्पली. उसी समय हाना ने एकदम से चिल्लाया सदाओ, कि वो बोल रहा है. सदाओ सेड, उसने उसको चुप कराया. द मैन सैंक अगेन इनटू साइलेंस सो प्रोफाउंड दैट सदाओ टुक अप हिज रेस्ट हेटिंग द टच ऑफ इट. साथ साथ देखो, ही इज नॉट एंजॉयिंग हिज ऑपरेशन. ये लाइंस को आप प्लीज मार्क करते रहिए और इसको समझते रहिए कि ऐसा नहीं था कि वो भूल चुका है कि जो अमेरिकन है वो उसके एनिमी नहीं है. जहां पेशेंट का ध्यान आता है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, जैसे उसे थोड़ा सा समझ आता है मेरे सामने एनिमी है वो बहुत हार्श हो जाता है. तो ये जो उसका ऑफ इन ऑफ इन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, ये जो नेचर दिखाया गया है, दैट इज रिफ्लेक्टिंग हिज कॉन्फ्लिक्ट विद इन हिमसेल्फ. उसकी जो अंदर की लड़ाई है, हम सारी दुनिया से लड़ सकते हैं, हम सबसे अच्छे से डील कर सकते हैं बिना किसी को शो किए कि हम क्या फील कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन जो हमारे अंदर की लड़ाई है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करती है हमारे इमोशंस को. अपने आप से हम सच छुपा नहीं सकते, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, राइट रॉन्ग की जो लड़ाई है, उसका जो डिलेमा है, उसी कंफ्यूजन में पर्सन बहुत वर्स्ट से वर्स्ट बिहेवियर भी दे जाता है. स्टिल इसने अपने आप को कंट्रोल कर रखा है, बट उसका ऑफ ऑन ये नेचर जो है वो शो कर रहा है हाउ ही इज स्ट्रगलिंग हार्ड इनसाइड हिज हार्ट, कि मैं क्या कर रहा हूँ ये. ठीक है. Yes, there was still a pulse, so faint, so feeble, but enough if he wanted the man to live to give hope. तो उसने कहा हाँ, पल्स जो थी वो बहुत फेंट हो गई थी, बहुत ज्यादा कमजोर है, और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उसका जो लेवल है वो बहुत ज्यादा पल्स वीक है. और साथ ही साथ उसने ये भी कहा certainly I want this man not to live, no more anesthetic, he told Hannah. He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicines he chose a small vial, and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. ये heart rate, pulse rate को फिर से चलाने के लिए, जो वो feeble pulse rate था बहुत weak, उसको पल्स देने के लिए या हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये इंजेक्शन दिया जाता है नियर द हार्ट, ये वही है. देन पुटिंग डाउन द नीडल ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन, द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रू स्ट्रॉन्गर. तो एक बार वो पल्स मूव की है, दो बार मूव की है, और फिर उसको स्ट्रॉन्ग फील हुआ, एंड देन उसने उसको ठीक कर दिया. और साथ ही साथ उसने क्या कहा, दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ. अभी उसने ये बोला कि मैं नहीं चाहता ये पर्सन जिंदा रहे, लेकिन फिर उसने उसे इंजेक्शन दिया, और जब वो एकदम से ठीक हो गया, उसने हाना से कहा, he said to Hannah and sighed, deep breath, लंबी सांस लेते हुए उसने ये बोला, ये पर्सन तो जिंदा रहेगा ही और हर कंडीशन में जिएगा. वो हमने इसका आपको पहले ही डिस्कस किया था सेकेंड क्लास में कि he has strong vigor and vitality, एक लाइफ फोर्स जो होता है विल टू लिव, वो इसके अंदर बहुत ज्यादा है. The young man woke so weak, his blue eyes so terrified when he perceived. अब ये जो young man है, ये जागा अपने operation के बाद, बहुत weak लग रहा है, blue eyes हैं उसकी, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, right? और जैसे ही उसको पता चला कि मैं कहाँ हूँ या मुझे कौन serve कर रहा है, उस समय उसको ये रियलाइज करने के लिए कि मैं एग्जैक्टली कहाँ हूँ, उसने पूछा, वेयर ही वॉज दैट हाना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज.
तो जब वो ये जानना चाहता है कि मैं एग्जैक्टली कहाँ हूँ, हाना को एक दैट हाना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, एक तरह से उसको फीलिंग आई सॉरी बोलने वाली। शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम फॉर नन ऑफ द सर्वेंट वुड एंटर द रूम। तो शी इज अ गुड नर्स टू, दैट मींस वो जब किसी पर्सन का टेक केयर कर रही है, रेस्पेक्टिव ऑफ वो एनिमी है या कौन है, एक पेशेंट का ध्यान रख रही है, उसका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जा रहा है, और वो यहाँ पर आकर उसको अपोलोजेटिक फील कर रही है और साथ ही साथ ये बताना चाह रही है कि रूम में जैसे ही एंटर हुई, व्हेन शी केम इन द फर्स्ट टाइम शी सॉ हिम समन हिज स्मॉल स्ट्रेंथ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम फियरफुल थिंग। जब उसने फर्स्ट टाइम उसको देखा और ये देखा कि किसी तरह समन है स्मॉल स्ट्रेंथ, समन माने लीगल कॉल, ये आप कब यूज कर सकते हैं, लाइक बहुत फोर्स करके अपने आप को जब उठाना पड़ रहा है, उसने उसका फोर्सफुल स्ट्रगल देखा, और जैसे वो किसी एक फियरफुल चीज के लिए तैयार हो रहा है कि कहीं ये लोग अब फटाफट उसको पुलिस को तो नहीं दे देंगे। हाना ने उसको बहुत सॉफ्टली कहा कि डोंट बी अफ्रेड, शी बेग्ड हिम सॉफ्टली, बहुत एक नॉर्मल एक पोलाइट फॉर्म में उसने कहा प्लीज डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्ट, उसने बोला जापनीज, आपके जैसे जाप और इंग्लिश, क्योंकि जापनीज और चाइनीज आप समझते हैं अपने लैंग्वेज को बहुत होल्ड करके रखे हुए हैं, और यूरोप के जितने भी लोग हैं तो जापनीज जो है वो इंग्लिश बहुत कम प्रेफर करते हैं, हालांकि आज की डेट में आप देखेंगे कि बहुत बोलते भी हैं क्योंकि उनका इंटरनेशनल ट्रेड मेंटेन करना है, बट यूजुअली ये देखा गया है कि जापनीज उस समय में इंग्लिश बोलने वाले बहुत कम होते थे। तो उसने कहा हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्ट, आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड, उसने कहा कि बहुत टाइम तक मैं अमेरिका में रही हूं। शी सॉ दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट, उसने देखा कि वो भी बात करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। सो शी नेल्ट, घुटनों के बल बैठ गई, एंड फेड हिम जेंटली फ्रॉम द पॉर्सलेन स्पून, ही एट अनविलिंगली बट स्टिल ही एट। तो उसने वहां खाया है अनविलिंगली लेकिन फिर भी उसने खाने की कोशिश की है। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, शी सेड, नॉट लाइकिंग हिम येट मूव टू कंफर्ट हिम। ये एक बहुत अच्छे जिसको हम बोलेंगे कि नर्सिंग बिहेवियर है किसी का भी, ऑल्दो हाना नर्स नहीं है लेकिन बीइंग अ मदर, एक मदरली लव एंड अफेक्शन है जिसमें वो ये कह सकती है सामने वाले को कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, सामने वाले को कंफर्ट करना, हालांकि आप उसको नहीं जानते, लेकिन किसी किसी की पेन में जरूरी नहीं है कि इंसान के लिए आप कुछ करें तो ही उसके लिए कुछ हो, आपके दो शब्द भी बहुत बड़े हो जाते हैं कभी कभी किसी के पेनफुल टाइम में, और हाना उस कमी को पूरा कर रही है, और उसने कहा कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with the effort. Lie down, Sadao cried. Do you want to die? अब Sadao जब जब उसको स्ट्रेट अवे देखता है तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है, और उसने यहाँ पर क्या बोला, लेट जाओ, मरना चाहते हो क्या? एक आयरोनिकल स्टेटमेंट है, एक डॉक्टर जिसने मरे हुए को बचाया, वो ठीक किया है और इंटरनली वो चाहता है कि वो मर जाए, स्टिल वो उसकी केयर दिखा रहा है कि मरना चाहते हो क्या? तो वेरी यू नो कंफ्लिक्टिंग पर्सनालिटी, रीजन मैंने आपको बता दिया कि उसकी जो फाइट है वो विदिन है, वो अंदर अपने ही आप में डिस्टर्ब है, व्हाट एम आई गोना डू, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्यों करना चाहता हूँ, क्या मुझे करना है, राइट रॉन्ग का जजमेंट नहीं कर पा रहा है वो, और इस समय उसके लिए उसका प्रोफेशन, उसकी ओथ सबसे ऊपर है, दैट इज पेशेंट, राइट। ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रॉन्गली एंड एग्जामिन द वुड, यू मे किल योर सेल्फ, एंड ही स्कोल्डेड हिम, इफ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग यू मे किल योर सेल्फ, अगर तुम यही करते रहे तो तुम अपने आप को खत्म कर लोगे, ही स्कोल्डेड, उसने उसे डांट कर कहा। वॉट आर यू गोइंग टू डू विद मी, द बॉय मटर्ड, ही लुक जस्ट नाउ बेयरली 17, आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर। इस समय वो बहुत घबरा गया है क्योंकि डॉक्टर खाना तो फिर सॉफ्टली उससे बात कर रहे थे, डॉक्टर उससे बहुत स्ट्रिक्टली बात कर रहा है, और उसने कहा तुम मेरे साथ क्या करोगे, क्या
क्या मुझे तुम हैंडओवर कर दोगे पुलिस को? फॉर अ मोमेंट सदाव डिड नॉट आंसर. सदाव ने कोई आंसर नहीं किया. He finished his examination and then pulled the silk quilt over the man. उसने उसका ट्रीटमेंट किया, उसको चेक किया अब वो ठीक है या नहीं, और उसके ऊपर क्विल्ट वापस दे दी. I do not know myself what I shall do with you. जहां जहां आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको कहां से लगता है कि वो बहुत कंफ्यूज था, तो फ्रेंड कहना, फ्रेंड कहने के बाद इरिटेट हो जाना, जब जब अमेरिकन को वो देख रहा है उसका गुस्सा आना, लेकिन जब जब वो एक पेशेंट को किसी चीज की प्रॉब्लम देख रहा है उसका अगेन सॉफ्ट हो जाना, और ये लाइन आई डू नॉट नो माई सेल्फ वॉट आई शेल डू विद यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आप मेंशन कर सकते हैं कि जब उसने पूछा आप मेरे साथ क्या करेंगे, तो उसने कहा मुझे खुद नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा. आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस. ऑट टू बेटा एक ऐसा मॉडल है, मॉडल्स आप लोग पढ़ते होंगे तो अक्सर आपको काफी टीचर्स कहते हैं कि ऑट टू अब यूज नहीं होता, इसे छोड़ दो. ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो यूज नहीं होता. अगर हम थोड़े से अपने जो पुराने क्लासिकल वर्ड्स हैं हमारे, जो आप पुरानी पोएम्स में देखेंगे बहुत ज्यादा यूज होते हैं, आर्काइक वर्ड्स बोलते हैं हम उनको, दी था होते. लेकिन ये मॉडल जो है या मॉडल्स जिसको भी हम प्रनाउंस करें ऑट टू, ये यूज होना बंद नहीं हुआ है. अब ये इस तरह की बात है कि जैसे मैं आपको बोलूं ये यूज नहीं होता, तो जो स्टूडेंट्स मुझसे सीख रहे हैं वो कभी इसका यूसेज नहीं सीख पाएंगे. आगे उनमें से कोई जो टीचर बनेंगे वो फर्दर कह देंगे ये खत्म. तो धीरे धीरे एक वर्ड जो है हमारी डिक्शनरी में से खत्म हो जाएगा. लेकिन ऑट टू का यूज वो है जहां कोड ऑफ कंडक्ट की बात आती है, ठीक है, कि चिल्ड्रन ऑट टू बिहेव नॉर्मल या सिंसियरली, या मतलब एक कोड ऑफ कंडक्ट. व्हेन यू गो इनटू बॉल डांस यू ऑट टू वेयर ब्लैक, एक कोड ऑफ कंडक्ट है. तो ऑट टू जो है आज भी यूज होता है, यूज करना आना चाहिए. यहां पर इन्होंने क्या बताया, अकॉर्डिंगली जो मुझे करना चाहिए, जो मेरी ड्यूटी है वो यही है कि मैं तुम्हें पुलिस को वापस कर दूं. यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर, नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग. और कहते कहते उसने देखा कि सामने से वो प्रिजनर कुछ कहना चाह रहा है, उसने उसको वहीं बीच में स्टॉप कर दिया. डू नॉट टेल मी एनीथिंग. ही पुट अप हिज हैंड एज ही सॉ द यंग मैन वाज अबाउट टू स्पीक. उसने देखा जैसे ही वो बोलने जा रहा है, डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क. और साथ ही उसने बहुत स्ट्रिक्टली बोल दिया, अपना नाम भी बताने की कोशिश मत करना जब तक मैं पूछूं ना उनसे. दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट एंड देन द यंग मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल. दोनों ने एक दूसरे को देखा. यंग मैन भी समझ नहीं पा रहा कि बहुत अजीब बंदा है यार, बचाया क्यों, ढंग से बात भी नहीं कर रहा. और आगे जो है वो कह रहा है कि कुछ अपनी तरफ से बताने की जरूरत नहीं है, अपना नाम भी मत बताना. दोनों ने एक दूसरे को देखा, वो भी अंडरस्टैंड कर पा रहा है उसकी सिचुएशन, और कुछ नहीं बोला. आईज क्लोज करके उसने वॉल को फेस करना शुरू कर दिया. ओके, ही विस्पर्ड. आउटसाइड द डोर हाना वॉज वेटिंग फॉर सदाव. ही सॉ एट वंस दैट शी वाज इन ट्रबल. बाहर उसने देखा तो हाना जो थी वो सदाव की वेट कर रही थी, और एकदम से उसने देखा कि वो थोड़ा सा ट्रबल फील कर रही है, थोड़े डिस्टर्ब है वो. सदाव, यू मी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे, वी हाइड दिस मैन हियर एनीमोर. और उसने आके बोला कि सदाव, यू मी कह रही है कि सर्वेंट्स ने, सबने डिसाइड किया है कि वो हमारे साथ नहीं रह सकते अगर ये वाइट मैन यहाँ पर रहेगा. शी सेड, शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग That you and I were so long in America. और वो साथ साथ ये बताती है कि servants ये कह रहे हैं कि शायद हम दोनों बहुत समय तक अमेरिका में रहे हैं, इसलिए हम जापानीज जो हैं, प्योर जापानीज नहीं है, या हम पेट्रियॉट नहीं है, हम भूल गए हैं. उसने कहा that we have forgotten to think of our own country first. They think we like Americans. तो ये बात किस चीज पे आ गई, उनकी इंटेग्रिटी पे आ गई, उनके पेट्रियोटिज्म पे आ गई. और उसने कहा कि सर्वेंट्स ऐसा सोच रहे हैं. इट इज नॉट ट्रू, सदाव सेड हार्शली. सदाव ने बहुत हार्शली बोला कि ये सच बात नहीं है. अमेरिकन्स आर आवर एनिमीज, बट आई हैव बीन ट्रेन्ड नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ आई कैन हेल्प इट. आपकी जो अपब्रिंगिंग है, आपकी जो ट्रेनिंग है, वो बहुत हद तक आपका कैरेक्टर डिफाइन करती है, आपकी प्रेजेंट सिनारियो डिफाइन करती है, आपका फ्यूचर डिफाइन करती है. अब एक पर्सन जो है ही ट्रेंड इस तरीके से कि उसके सामने किसी को मरते हुए देखना एक
बिगेस्ट क्राइम है, वो कैसे अपने सामने किसी को मरने दे, बाद में पूछेगा कि एग्जैक्टली जो हमारा लेवल है वो कहाँ, मतलब वो एनिमी है या कौन है, इन सब डिस्क्रिमिनेशन में वो बाद में जाएगा। लेकिन सबसे पहले उसे क्या दिख रहा है, पेशेंट, और उसको सेव करना उसकी ड्यूटी है अकॉर्डिंग टू बीइंग अ डॉक्टर, और जहां से वो ट्रेन हुआ है। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एंशियसली, कि सर्वेंट्स ये नहीं समझ सकते। ऑब्वियसली बेटा, आपकी जर्नी आपकी है, कोई और आपकी चॉइसेस को क्यों समझेगा, कोई भी नहीं समझेगा। और अगर आप दूसरों की चॉइसेस से अफेक्ट होंगे, आई एम सॉरी टू से दिस इज योर फॉल्ट नॉट अदर्स। लोगों का काम जज करना है, हमें उससे अफेक्ट होना है या नहीं होना है, हमारे कौन से टास्क हमारे हैं, हमें करने भी हैं या नहीं करने हैं, अल्टीमेटली हमको इस चीज के लिए खुद को तैयार करना है। हमें दूसरों की ओपिनियन से मैटर नहीं होना चाहिए, अनलेस वो हमारे पेरेंट्स है। स्टिल उनको, अगर ऐसा कोई आपका जर्नी है या कोई आपका डेस्टिनेशन है जो बहुत जरूरी है, तो आपको उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। अदरवाइज आप अपनी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, आप सिर्फ अपना काम कर सकते हैं। जिन्होंने समझना होगा वो लेटर ज्वाइन करके आपको समझ जाएंगे। नो ही एग्रीड, नीदर सेम्ड एबल टू से मोर, एंड सम हाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन। द सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल, देयर कर्टसी वॉज एज केयरफुल एज एवर, बट देयर आईज वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू होम देवर हायर्ड। प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन। यहाँ पर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, इसका मतलब जो ये लोग थे सर्वेंट्स, वो लॉयल नहीं थे डॉक्टर सदाओ के लिए और उनकी फैमिली के लिए, तो आप कहेंगे नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जो सर्वेंट्स थे वो प्योरली लॉयल थे, नाराज होने के बावजूद भी वो हर वो काम कर रहे थे जो वो करना चाहते थे या जो उनकी ड्यूटी थी। लेकिन उनकी आईज कोल्ड अपॉन, मतलब कहीं ना कहीं वो ना रिप्रोच आईज से अपने ओनर्स को देखते थे कि क्या कर रहे हो, जरूरत क्या है इस चीज को करने की, है ना। ये वाला जो एक इम्पैक्ट है वो ऐसा दिख रहा था उनको देखते हुए। इट इज क्लियर व्हाट आवर मास्टर ऑट टू डू, द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग। अब क्या हुआ कि एक दिन, एक मॉर्निंग सुबह सुबह हाना खड़ी है वहां उसको सुनाने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट अपने मास्टर से बात करने की हिम्मत तो है नहीं। ये लोग इस तरह से बात कर रहे हैं कि हाना सुन ले ताकि इनका जो मैसेज है वो डॉक्टर सदाओ तक पहुंच सके। और उसने क्या कहा, इट इज क्लियर, ये बहुत क्लियर है कि हमारे मास्टर को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ही हैड वर्क विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ, ये ही बोला गया है गार्डनर के लिए, सारी जिंदगी उसने फ्लावर्स का काम किया है। एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस, और जो मॉस है काय उसमें ये बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट भी है। सदाओ के फादर के लिए ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन, बहुत ब्यूटीफुल होता है, आप इंटरनेट पे चेक भी कर सकते हैं कितनी फाइन ग्रास कार्पेट होती है ये। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कार्पेट कॉन्स्टेंटली सो दैट नॉट अ लीफ और अ पाइन नीडल मार द वेलवेट ऑफ इट्स सर्फेस। इस तरह की ग्रास है जो वेलवेट की तरह लग रही है, और एक ही चीज को इतनी बारीकी से वो संभालता है, किसी भी नुकीली पत्ती को ऊपर नहीं आने देता कहीं उसका कारपेट खराब ना हो जाए। तो अपना काम करते करते वो बात कर रहा है कि हमारे मास्टर को ये सब काम नहीं करना चाहिए। माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल वॉट ही ऑट टू डू, ही नाउ सेड, पिंचिंग अ बड फ्रॉम अ बुश एज ही स्पोक। तो एक पत्ता तोड़ते हुए या एक बड को हटाते हुए, वेन द मैन वॉज सो नियर डेथ वाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड, कि जब वो पर्सन एकदम मरने वाला था तो इन्होंने उसको मरने क्यों नहीं दिया, अपने आप मर जाता, इनको लाने की क्या जरूरत थी। दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ, कुक सेड कंटेंप्टुअसली, हेटरली उसने ये कहा। लगता है हमारे मास्टर को ना एक प्राउड हो गया है कि वो किसी को भी बचा सकता है, इसलिए वो ले आया उसको। शी स्प्लिट अ फाउल स्नेक स्किलफुली एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इन टू द रूट्स ऑफ हिस्टेरिया वाइन। तो जो बेलें लगी हुई थी वहां पर, ये जो गार्डनर था वो कभी भी कोई, जैसे ये लोग, आप लोग चिकन वगैरह अगर कुछ यूजुअली जो लोग घर पे बना लेते हैं, जापान में आपको पता है नॉन वेजिटेरियन बहुत ज्यादा है, तो फाउल एक बर्ड है उसको जब ये घर पे पका रहे तो वहीं पे कट किया है उन्होंने। और गार्डनर ये श्योर करता था कि ब्लड वेस्ट ना हो, क्योंकि ब्लड एक अच्छा फर्टिलाइजर होता है, तो वो अपने प्लांट्स के लिए और अपने गार्डन के लिए वो उस ब्लड को वेस्ट नहीं होने देना चाहता था। ब्लड इज द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट, और वो एक भी ड्रॉप उसकी वेस्ट नहीं होने देता था। इट इज द चिल्ड्रन ऑफ होम वी मस्ट थैंक यू, मी सेड सैडली।
यूमी ने ये कहा कि हमें बच्चों का सोचना चाहिए, व्हाट विल बी देयर फेट इफ देयर फादर इज कंडेम्ड एज अ ट्रेटर। सोचो ना, अगर अगर उनके पापा को गद्दार बोल दिया गया या उन्हें कुछ आगे कह दिया गया तो बच्चों को कितना बियर करना पड़ेगा। तो दे आर थिंकिंग ऑन देयर पार्ट, अपना अपना वो सोच रहे हैं। दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड व्हाट दे सेड फ्रॉम द इयर्स ऑफ हाना। जो मैंने आपसे कहा कि हाना को सुनाने के लिए उन्होंने ये बात कही थी, इस लाइन से जस्टिफाई होती है। एज शी स्टूड अरेंजिंग द डेज फ्लावर्स इन द वेरांडा नियर बाय एंड शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पस दैट शी माइट हियर That they were right, she knew too in most of her being, but there was another part of her which she herself could not understand. अब वो सुन रही थी और कह रही थी कि कहीं ना कहीं ये लोग तो सही हैं जो सोच रहे हैं, लेकिन हम लोग क्यों नहीं वो अंडरस्टैंड कर पा रहे जो सर्वेंट्स को बहुत क्लियरली दिख रहा है। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, ऐसा नहीं था कि ये सेंटिमेंट्स इनके अटैच हो चुके हैं उनसे, इमोशनली उनसे उस प्रिजनर से अटैच हो चुके हैं। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर, वो अभी भी उसको प्रिजनर ही सोच रही थी। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे, और मन में क्या सोच रही है कि उसको परसों भी, आई मीन कल जो बीत गया कल, उस दिन भी उसे वो पर्सन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जब उसने बड़े ही इम्पल्सिव मैनर में बिना कुछ सोचे समझे क्या लाइन बोली। एनी वे लेट मी टेल यू माई नेम, मुझे मेरा नाम बताने दो, माई नेम इज टॉम। और इसने उसको बाव किया, उसने भी बाव किया, ये आप जैपनीज कल्चर जानते हैं। शी सॉ हर्ट इन हिज आईज बट शी डिड नॉट विश टू असॉल्ट इट। जो हर्ट, जो पेन उस प्रिजनर की आईज में दिख रहा था, वो उसको बिल्कुल भी कॉन्डोलेंसेस नहीं देना चाहती थी। इनडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस, क्योंकि उसको ये ध्यान था अच्छा खासा कि उनकी शांत जिंदगी में एक मिनास की तरह या एक ट्रबल की तरह, एक प्रॉब्लम की तरह वो पर्सन आया है। ऑल्दो ये उसको लेकर आए हैं, लेकिन वो इससे और ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करना चाहती थी। As for Sadao, every day he examined the wound carefully. The last stitches had been pulled out this morning, and the young man would in a fortnight be clearly as well as ever. अब वो रोज आके उसको चेक करता था और उसको लगा, देखिए यहाँ पे इन अ फोर्थ नाइट बी क्लियरली एज वेल एज एवर, लास्ट स्टिच भी उसने निकाल दिया, 15 दिन के अंदर वो बहुत बेस्ट हो जाएगा। अब उसने अपना ट्रीटमेंट कर लिया, उस पर्सन को ठीक कर दिया, अब इसकी टर्न आती है टूवर्ड्स द कंट्री। अभी अपने ऑफिस में गया, केयरफुली टाइप द लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर On the 21st day of February, an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. उसने लेटर लिखना शुरू किया कि 21 फरवरी की रात को एक कैदी मेरे दरवाजे पर या शोर पर आकर गिरा, और इतना ही लिख पाया था कि he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it. मन में बहुत सारी thinking आई, बहुत सारा एकदम से कुछ डिस्टर्ब हुआ वो कि उसने लेटर पूरा नहीं लिखा और उसको बंद करके उसने अपने सीक्रेट ड्रॉअर में रख दिया। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, आप इसको जरा मार्क कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाता है और इस चीज के चलते इस पैराग्राफ को आपने मिस नहीं करना। ऑन द 7th डे आफ्टर दैट, उसके करीब करीब 7 दिनों के बाद दो चीजें हुई हैं, ठीक है। अभी तक आप सब लोग अच्छे से रीड कर चुके हैं कि एग्जैक्टली हमारा जो अभी तक जो चला वो ये कि उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है और उसने उसको बहुत अच्छे से ट्रीट कर दिया, 15 डेज में वो और अच्छा हो जाएगा, चलने फिरने लायक, ही ट्राइड हार्ड कि किसी तरह वो लेटर लिखकर आगे फॉरवर्ड कर सके, लेकिन लेटर वो पूरा नहीं लिख पाया। अभी तक तो उसके अंदर का स्ट्रगल था, लेकिन अब सर्वेंट्स के साथ एक स्ट्रगल है जो उसको बार बार आंसर करना पड़ रहा है। हाना और सदाओ की लाइफ जो अभी तक बहुत वेल प्लेटफॉर्म पे चल रही थी, थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है। यहाँ क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, हाना का कैरेक्टर स्केच कॉन्टिन्यू है, अभी आगे भी आपको मिलता रहेगा। सदाओ का कैरेक्टर स्केच कॉन्टिन्यूड है, आगे भी आपको मिलता रहेगा, लेकिन यहाँ कुछ क्वेश्चंस खत्म हुए, जैसे वो इग्नोरेंस वाला कि उसके प्रोफेसर ने क्या कहा था। उसके बाद टॉम, वो पर्सन जो प्रिजनर ऑफ वॉर था, उसका क्या रिएक्शन था, किसने कौन से सर्वेंट ने ये कहा कि मास्टर को बहुत ज्यादा प्राउड हो चुका है, उसके अलावा सर्वेंट्स क्या सोचते हैं,
कौन किसके लिए कैसा डिसीजन लेने की सोच रहा है, हाना की मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, इन सब चीजों पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वो आप तैयार कर सकते हैं। आज का जो टास्क रहेगा, ग्रैटिट्यूड और लेसन तो आप लिखेंगे ही अपने डायरी में, लेकिन साथ ही साथ आप थोड़ा सा अपने आप को आज के डे को या इस पूरे प्रोसेस के दौरान टिल नाउ आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो आपकी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड है, उस प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड को भी लिखने की कोशिश करेंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आपको क्या लगता है कि सदाव को क्या करना चाहिए, खाना को क्या करना चाहिए? इसको जस्ट आज के दिन आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कीप वॉचिंग स्टडी खजाना।